हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा है और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं जो टॉपिक है वो वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल वर्क डन इन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होती है। तो इसको समझने के लिए, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है और आप इस पर कॉन्स्टेंट फोर्स, मेरी वर्ड को ध्यान देखना, कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हो। मतलब ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे फिलहाल आपको दिख रही है, ये जो थ्योरम है ये किसके लिए, अंडर कांस्टेंट फोर्स। किसके लिए भाई साहब? हाँ, ये कांस्टेंट फोर्स पर ये चलेगी, ये वाली वर्क एनर्जी थ्योरम। दो प्रकार की थ्योरम होती है, एक कांस्टेंट फोर्स वाली भी होती है और एक वेरिएबल फोर्स वाली भी होती है। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये कांस्टेंट फोर्स वाली थ्योरम चला रही है आपके सामने, ठीक है ना। चलिए, तो क्या कह रहा है, कंसिडर बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। यू कितना बेटा v1, वी कितना है v2, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s बेटा, रूल लगा दिया, एक्सेलेरेशन आ गया अपने पास v2² - v1² / 2s। क्या लग गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो है ना। हाँ जी, ये एक्सेलेरेशन आ गया। अब देखो भाई साहब, ये एक्सेलेरेशन आ गया, इस एक्सेलेरेशन से बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स कितना लगेगा, m into a। तो भाई साहब यहाँ पे पुट कर दिया m into a। अब मैं वर्क डन निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाली है, ओके। तो f into s cos 0 है, s से s क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या बन गया, ½mv2² - ½mv1² बना कि नहीं बना, ½mv2² - ½mv1² मतलब ये क्या भाई साहब, काइनेटिक फाइनल एनर्जी मतलब माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, यही बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यू कैन राइट w = delta k। आइए देखते हैं अगला है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये जो बताता है कि अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, किस फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उसके हर पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट होती है। हर पॉइंट पर एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। अभी ये जो क्वेश्चन है इसको लेकर के, सीन को लेकर के अपन पूरा क्लियर करेंगे कि भाई कैसे होती है एनर्जी कांस्टेंट। ये देखिए आपके पास में क्या आएगा ना, देखिए तीन सिचुएशन, या ब्लॉक यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, v0, और हाइट कितनी है, h। मतलब इस पॉइंट पर इसकी होंगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, भाई साहब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1/2mv0² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh होगी कि नहीं होगी। तो पहला सीन देखिए, इट स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भाई अगर आप टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ये वहां के लिए, बट दो कंजर्वेशन है, एक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किसकी बात हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम खेल खेल रहे हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल में खेल रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे को यहाँ पर ये हेडिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। जी हाँ, है ना, ये जो रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल नहीं है, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है जो ब्रह्मांड में हर जगह लगता है, है ना। सब ऊर्जा व्याप्त है, यहीं पर फैली हुई है, कुछ कमेगा कुछ बढ़ेगा। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, बोलो आए ना। मतलब सब कुछ यहीं का यहीं है, कुछ भी यहाँ से ना आने वाला है, ना कहीं से ना कुछ कहीं से जाने वाला है। जो अर्थ में है वो अर्थ में ही रहेगा, जितनी एनर्जी अर्थ में है उतनी एनर्जी अर्थ में ही रहेगी, समझ में आ गया ना। बट कहीं कम हो गई तो कहीं ज़्यादा हो गई, बैलेंस बना रहेगा। बहुत अच्छा रूल है यार, पूरी अर्थ की विशेषता को बताता है। इट इज दिस दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात कर ली इस बारे में, आ जाओ भाई। तो हम पढ़ रहे हैं भाई साहब मैकेनिकल, मन में याद रखना। तो कंसिडर द बॉडी ऑफ मास m सिचुएटेड, हाइट s और इसकी वेलोसिटी 0 है। तो लियो भाई साहब टोटल पहली एनर्जी p1 + k1 = mgh + ½mg², बोलो क्लियर है, ये पहली है। अब दूसरा सीन देखो, बॉडी y डिस्प्लेसमेंट से नीचे आ गई, y डिस्प्लेसमेंट से क्या आ गई, तो अब जो नई वाली हाइट बची वो कितनी बच गई, h - y। मतलब बेटा इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो, सॉरी इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी वो होगी mg नई वाली हाइट h - y। मतलब क्या होगा, mgh - mgy, पक्की बात ना, ये इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हाँ है ना। अब काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज हो जाएगी, क्यों, बॉडी की स्पीड बढ़ चुकी होगी, एक्सेलरेट हो रही ना ये। तो भाई साहब वो लगाओ कौन सा रूल, वो v² = u² + 2s वाला,
है ना, लगेगा। और हम इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालेंगे जिसका नाम है v1। चलो लगाते हैं रूल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। लगा दिया भाई साहब, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर, क्योंकि पहली वेलोसिटी इनिशियल क्या थी v0, और 2gy क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना खा लिया y, तो ये हो गई आपकी v1 स्क्वायर। हाँ या ना। अब चलिए निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आ जाओ पास में, है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो भाई पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच माइनस वाई, पोटेंशियल काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई साहब यहाँ v1 कर दो, कर दिया। अब m और v1 का स्क्वायर यहाँ से पुट कर दिया, पुट कर दिया कि नहीं कर दिया, तो भैया 2 के लपेटे में आके 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब क्या क्या बच गया, एम जी वाई, बोलो हाँ या ना। और यहां पर एक एम जी वाई और यहां पर एक एम जी वाई कैंसिल हो गया, और वाह साहब क्या हो गया, पुरानी वाली ही एनर्जी आ गई, इक्वल टू एम जी एस प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जो पहले पार्ट में थी। बोलो जी हाँ यहां था, मतलब टोटल एनर्जी वहां पर भी यही है। अब आ जाओ नीचे, अब आ गए नीचे, तो नीचे आकर के हाइट तो हो गई जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया जीरो, केवल किस पे दम मारेगी, काइनेटिक पे। अब काइनेटिक निकालना v2, और कितने हाइट पे, h हाइट पे, तो फिर से लगाएंगे इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आया तो v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर, मतलब v0 स्क्वायर प्लस 2gh, इनिशियल कितनी थी v स्क्वायर थी। हाँ जी यार, चलिए तो फॉर्मूला p3, ये कितना mg हाइट जीरो हो गई थी, जीरो प्लस 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस 2gh, क्लियर है, mg स्क्वायर प्लस 2gh, ये यहां मैंने पुट कर दिया, तो mv नॉट स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और क्या बन गया mgh, मतलब तीसरे पॉइंट पर भी वही एनर्जी आ रही जो पहले थी, मतलब e1 इक्वल टू e2 इक्वल टू e3। दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को शो कर रहा है। बोलो जी आ गया समझ में ना। हाँ, तो वैसे मैंने वहाँ बुक में मैंने करवाया था हाइट h लेकर के जीरो मान लिया था आपने, अब वहाँ वेलोसिटी को मैंने कहा भाई आप तो ये ले लो, नहीं आप कहोगे सर वो वेलोसिटी जीरो लेके मैंने किया था, मैंने कहा मान लो वेलोसिटी, यार कोई दिक्कत नहीं, तुम वेलोसिटी मान भी लोगे तब भी तुम्हारा आंसर क्या आने वाला, सेम आने वाला है। तुम ज़्यादा एनर्जी दोगे तो ज़्यादा बटेगी, कम दोगे तो कम बटेगी, बट एनर्जी बटनी उतनी है जितनी दी है। हाँ यहाँ चलो डन ना, कोई दिक्कत तो ना आए। चलो अगली बात करते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स की। वैसे इस पर बात कर चुके हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ऐसे फोर्स जिनके अंडर में किया गया वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पर, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, उनको हम क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव, और जिनमें रास्ते पर डिपेंड करता है उनको हम क्या बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस गेट कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी डेफिनेशन आ गई, अगर उनके अगेंस्ट में आप काम करेंगे, उन फोर्सेस के अगेंस्ट में आप काम करेंगे तो वो काम स्टोर हो जाएगा, वो काम क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। अगर सपोर्ट में काम करोगे तो स्टोर नहीं होगा, अगर अगेंस्ट में काम करोगे तो काम क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। स्प्रिंग सोच लो, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है, अगर आपने स्प्रिंग को दबाया, हाँ जी, तो स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा। तो आप इसके अपोज में अगर काम कर रहे हो तो ये काम इसमें क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं और ऐसे वर्क को क्या बोलते हैं ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें उस फोर्स के विरुद्ध किया गया काम स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द फोर्सेस आर सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर इफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्सेस गेट कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स एंड ऑल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। बोलो समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हमने पढ़ रखी हैं। वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेज कंजर्व एंड गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है इसमें जो इनके विरोध किया गया काम जो होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है। वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेज नेवर डिसिपेटेड बाई बींग कन्वर्टेड इन टू द नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड एटसेट्रा। जी भाई साहब, कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया काम किसी अदर एनर्जी की फॉर्म में नहीं जाता है, वो आपके पोटेंशियल फॉर्म में सेव ही होगा। जैसे आपकी उंगली है, आप उंगली को पकड़ करके पीछे की तरफ खींच दो, जी हाँ है ना। अब इस पे आप उस पे ऊपर पे वो कंचा लगा करके फेंकोगे तो कंचा दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब आपके उंगली की इलास्टिसिटी की वजह से जो मैंने उसके फोर्स के अगेंस्ट काम किया वो फोर्स क्या वर्क क्या हो गया स्टोर हो गया, क्या हो गया, क्योंकि आपकी उंगली में जो एनर्जी काम कर रही है
वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। जब तक आपकी उंगली ना फूटे, या जी फूट गई, फूट गई ना, जब तक आपकी उंगली ना फूटे। अब फूट गई मतलब नॉन कंजर्वेटिव, क्यों, क्योंकि ये जो साउंड निकला है इसकी भरपाई कौन ने करी, मैंने काम ने, जो मैंने काम किया ना उसी ने ना साउंड निकाला, उसी की एनर्जी मिली ना। तो जब तक साउंड नहीं निकला था तब तक आपकी एनर्जी स्टोर हो रही थी, हाँ है ना, बट जैसे ही साउंड निकल गया तो साउंड निकलने का हिस्सा स्टोर नहीं हुआ है, समझ गए ना, तो मतलब वो पोटेंशियल के खाते में नहीं गया, क्लियर हो गया। हाँ चलो, वर्कड इन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। मैंने बताया था भाई ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कहां से चले थे और कहां तक आ गए, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट इट डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द बॉडी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ थ्रू विच प्रोसेस हैज बीन कैरीड आउट, जैसे गई है उससे मतलब नहीं है, क्लियर हो गया। अगर आप कंप्लीट रास्ते में आ जाए राउंड लगा करके, तो बोलो इसमें किया गया वर्क कितना होता है, जीरो, वही बताया था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो इन अ कंप्लीट साइकिल। चलो भाई साहब देखते हैं, टू प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अ स्टेट फंक्शन, हम प्रूव करते हैं कि वर्क डन जो होता है स्टेट फंक्शन होता, मतलब स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल स्टेट, और वही बात है, लिफ्ट करेंगे भाई साहब इसको एच हाइट तक बॉक्स को, हाँ है ना। तो ये देख लीजिए भाई साहब अपने पास है, कंसीडर अ बॉडी एम विच इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अप हाइट, द हाइट कैन बी डन इन टू वेज, दिस कैन बी डन इन टू वे, बाय डायरेक्टली लिफ्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी, बाय पुशिंग द बॉडी अप स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, दो तरीके हैं, या तो बॉडी को सीधे ऊपर घसीट करके ले जाओ, बोलो हाँ, दूसरा एक इंक्लाइंड प्लेन में रखो और नीचे से लेकर के ऊपर ले जाओ, ये सुनो। अब आप देखना भाई यहां से यहां ले गए तब भी हाइट कितनी हुई, एच ही तो हुई ना, और डायरेक्ट ले गए तो भी हाइट कितनी हुई, एच हुई। दोनों कंडीशन में देखना वर्क डन, देखो भैया पहले कंडीशन में फोर्स कितना एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी एच, भैया वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, मतलब कितना हो गया एम जी एच, कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछना तो नहीं है ना। तीसरे केस में आ जाओ, दूसरे केस में ये लो जी भाई सब, ये कितनी हाइट पे ले जाना है एच, ये एंगल कितना है थीटा है, ये कितना है थीटा है, चलो इसको एक्स मान लो, क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन हाइपोटेनस कितना एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो गया कितना एच अपॉन साइन थीटा, पक्की बात। अब यहाँ पर ये जो ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है, इसको आपको किस फोर्स से खींचना पड़ेगा एम जी साइन थीटा से, क्यों, क्योंकि जब इसको आप को करते हो रेजोल्यूट करते हो तो यहाँ पे टूटता है नीचे कितना एम जी, एम जी का कंपोनेंट यहाँ पे क्या टूटता है एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या टूटता है एम जी साइन थीटा, मतलब इसको नीचे गिराने वाला कंपोनेंट क्या एम जी साइन थीटा, तो ऊपर घसीटने के लिए इसी फोर्स के इक्वल आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, तो एम जी साइन थीटा फोर्स से आपको घसीट करके ले जाना है, बोलो जी हाँ है ना। तो मैं वर्क डन निकालता हूँ, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बोलो जी हाँ है ना। फोर्स क्या लगेगा इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर लगाना पड़ेगा सॉरी, इसी के अमाउंट का फोर्स कितना लगा एम जी साइन थीटा, और इसी के डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी हुई एक्स, ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है एक्स की वैल्यू में रख देता हूँ भाई एच अपॉन साइन थीटा, एच अपॉन साइन थीटा कैंसिल, बोलो आंसर कितना आ गया एम जी एच, तो पहले भी कितना लग रहा था वर्क एम जी एच, अभी भी कितना लग रहा है ये देख लो आ गया, तो मतलब वर्क वन इक्वल टू वर्क टू, मतलब किससे हाइट से, मतलब किससे है हाइट से है, समझ में आ गया ना। तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, ये कंजर्वेटिव ऑफ फील्ड का उदाहरण है, एग्जांपल है, शो कर रहा है कि कंजर्वेटिव फील्ड में कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में जो किया गया काम होता है वो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, समझ गए, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड करना था करता है कहां से चले थे और कहां तक आ गए, बोलो क्लियर है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या मायने रखती है, केवल और केवल हाइट, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में जो काम होता है वो क्या लेकर के होता है हाइट लेकर के, समझ गए ना, आप कैसा रास्ता जाओ उससे कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं अगला, टू प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अ जीरो इन अ कंप्लीट साइकिल, लो ऊपर से नीचे गए, मतलब पहले नीचे से ऊपर गए और फिर ऊपर से नीचे गए, वर्क डन कितना होगा जीरो होगा, है ना, कैसे हो जाएगा, पहले में आएगा एम जी एच, बोलो जी यस, और दूसरे में आएगा कितना माइनस एम जी एच।
चलिए ठीक है ना, देखते हैं कैसे जीरो होगा। कंसिडर द बॉडी ऑफ मास एंड विच इज लिफ्टेड स्लोली थ्रू हाइट एच, देन अलाउड टू कम बैक थ्रू द ग्राउंड थ्रू हाइट एच। लियो भाई साहब बोलो पहला वर्क डन कितना आ गया एम जी एच, और दूसरे वर्क डन में है ना मिनिमम फोर्स रिक्वायर टू अपवर्ड डायरेक्शन फॉर वर्क डन स्लोली ब्रिंगिंग द बॉडी डाउन, दूसरे में आप इसको धीरे से नीचे ला रहे हो, धीरे से नीचे ला रहे हो, पहले में कहां ले गए ऊपर, आप कहां ला रहे हो नीचे। अब देखना नीचे वाली सीन देखना भाई साहब, mg लग रहा है वो तो ग्रेविटी लगाएगी 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 ना, ऊपर खींचने में आपने अपवर्ड फोर्स F लगाया था, बोलो हाँ है ना। अब ऊपर से किसी चीज को पकड़ करके ला रहे हो तो आपका फोर्स तो ऊपर ही लगेगा ना, बाल्टी को पकड़ के छत से उतार रहे हो तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर ही तो लगेगा ना आप भाई, नीचे तो mg लगेगा। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो क्या है, F है, और डिस्प्लेसमेंट भाई साहब कहाँ है, डाउनवर्ड है, हाँ है ना। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, F mg इंटू H F इंटू S cos 180, क्योंकि आपके फोर्स में और नीचे के डिस्प्लेसमेंट में कितने डिग्री का एंगल है, तो cos 180 कितना हो गया माइनस वन, बोलिए सुनो। तो W इक्वल टू कितना आ गया माइनस एम जी एच, दोनों कैंसिल हो गया, बोलो आंसर कितना, मतलब कंप्लीट बात में आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्क डन का। चलिए अगली बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके प्रभाव में किया गया काम रास्ते पर डिपेंड करता है, क्लियर है। जितना बड़ा रास्ता होगा चप्पल उतनी घिसेगी, जितना उबड़ खाबड़ रास्ता होगा चप्पल उतनी घिसेगी, क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ते में क्या काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो हाँ है ना। उसे ये मतलब नहीं कि कहाँ से चले थे और कहाँ पर पहुँच गए, उसे तो मतलब है रास्ते से, किससे मतलब है। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखाएगी कि नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर द फोर्सेज वर्क डन अगेंस्ट विच डू नॉट डज नॉट गेट कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें जो वर्क डन होता है वो कंजर्व नहीं होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बोलो है ना, समझ गया ना। उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, लॉस होगा, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, साउंड निकलेगा, जहां ये सारी चीजें आए समझ जाओ कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, बोलो जी हाँ है ना, क्लियर हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस डू नॉट गेट कंजर्व्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्सेस ऑलवेज डिसिपेटेड बीइंग कन्वर्टेड इन नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट लाइट एंड साउंड। चटकी थी ना अभी उंगली खींचने में, हाँ है ना, तो हीट लाइट साउंड क्या निकला था, साउंड निकला था, क्या निकला था, साउंड, मतलब वो भाई सब नॉन कंजर्वेटिव था उतना पार्ट, उतना पार्ट क्या था, नॉन कंजर्वेटिव, जब आपकी उंगली को खींचा था ना, उंगली के वहां पहले जहां था खींची साउंड नहीं निकला, वहां था कंजर्वेटिव है, क्योंकि आपकी मसल्स की कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वहां तक काम कर रही है, जो दिया उसको वापस लौटाया, हाँ या ना। मगर उसके पीछे गए तो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ कौन सा फंक्शन, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं है, है ना। वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज नॉन जीरो, है ना, घूम करके स्कूल से घर वापस आ गए, है ना, तो आपकी चप्पलों ने कितना काम किया, जीरो नहीं होगा भाई साहब, वर्क डन फिर निकालना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स कितना है, नॉन कंजर्वेटिव, बोलो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का एक एग्जांपल, ये आपने वहां पर करा नहीं है, यहां पे मैं करा रहा हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का एक एग्जांपल देखते हैं, और देखते हैं कि ये नॉन जीरो होता है कि जीरो होता है, उसके बाद हम पावर की बात करेंगे। ये देखिए भाई साहब, प्रूव दैट वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज अ पाथ फंक्शन, मतलब प्रूफ करना है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो किया गया काम है वो कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो सब कुछ वही है, सब लोग आप जानते हो, बस अब क्या लग रहा है भाई साहब, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब अब जो फोर्स इधर लगेगा वो दो चीजों का सम होगा, mg sin theta का और fk का। तो मैं पहले लिख देता हूं आपकी याददाश्त के लिए, जिस फोर्स से आपको ऊपर खींचना है वो आगे जाकर के भविष्य में बनेगा mg sin theta प्लस कितना fk, क्या बनेगा बेटा fk, और fk आप जानते हो भैया fk क्या होता है, fk होता है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू, और r कौन प्रोवाइड करेगा, mg cos theta, देख लो नॉर्मल रिएक्शन है ना, mg cos theta। तो भैया भविष्य में जा करके ये बनने वाला है, बोलो हाँ या ना,
एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। बाकी तो पुरानी वाली चीज़ें हैं, वही सब आया ना। एच साइन थीटा पता चल चुका ना कैसे आता, पिछले वाले में कर चुके हैं। चलो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉडी टू रफ इंक्लाइंड प्लेन, लो आ गया, करा दिया ना, ये भी हो गया ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से लियो भाई साहब, ये आ गया, सब कुछ करा दिया। एफ एस कॉस थीटा, एच अपॉन साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कितना आ गया नीचे, 10 आ गया, ठीक है ना। तो एम जी एच अपॉन म्यू एम जी एच 10 थीटा, ये आ गया, लियो क्लियर है। हाँ यहाँ पे क्या था, थीटा था, क्या था ये, थीटा था। अगर इंक्लाइनेशन आपने थीटा वन कर दिया, वैसे हमारा डेरिवेशन ये आ गया वर्क डन का, अगर इंक्लाइनेशन आपने थीटा वन कर दिया तो थीटा की जगह क्या होगा, थीटा वन, बोलो हाँ। तो थीटा का रास्ता अलग है और थीटा वन का रास्ता अलग है, मतलब दोनों रास्ते पर डिपेंड कर रहा कि नहीं कर रहा है, हाँ है ना। सो देखिए क्या लिखा है, दिस क्लियरली शो दैट द वर्क डन इन बोथ द केसेस आर डिफरेंट एंड वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज अ पाथ फंक्शन एंड नॉट अ स्टेट फंक्शन दैट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द प्रोसेस हैज बीन कैरीड आउट। ये पाथ पे भी डिपेंड करता है, बोलो हाँ है ना। एंगल चेंज कर दिया तो वर्क भी बदल गया, बोलो जी यस और नो, क्लियर ना। हाँ इसमें कौन सी लाइन समझ में नहीं आई बेटा बताओ, सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यार इसमें ज़्यादा क्या बताना। चलिए देखते हैं द वर्क, अब जाएंगे और वापस आएंगे, जाएंगे और वापस आएंगे आगे, भाई देखना साइकिल कंप्लीट करना है, देखते हैं वर्क डन जीरो होता कि नहीं होता है। लो ये फोर्स लगा करके वापस आ गए, ठीक है ना। तो भैया ये फोर्स जब लगाएंगे तो इस फोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगेगा, म्यू एन, म्यू एन, एन कितना हो जाएगा एम जी, मतलब भैया फ्रिक्शन फोर्स पहली वाली सीन का क्या बनेगा, म्यू एम जी, क्या बनेगा, म्यू एम जी, हाँ या ना, म्यू एम जी। और कैसा वर्क होगा, नेगेटिव, क्योंकि आगे फ्रिक्शन में और म्यू में कितने का एंगल है, 180 डिग्री, बोलो हाँ या ना। और म्यू एम जी डिस्प्लेसमेंट से कितना खसका के ले जाओगे, एस, कितना खसका के ले जाओगे, तो मैं वर्क डन लिख देता हूँ अगर आपको आपत्ति ना हो, माइनस म्यू एम जी एस। माइनस क्यों आया, क्योंकि एंगल कितनी डिग्री है, 180, आगे ये वाला फोर्स है, पीछे ये वाला फोर्स है, बोलो जी यस और नो, ठीक है, ठीक है ना, यस, मतलब आपका फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है ना। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ पर आ जाइए, वापस लेके आते हैं, अब वापस लेके आते हैं, ठीक है ना, यहाँ से वापस लेके आएंगे। चलिए देखिए, जब आप वापस ले करके आएंगे तो आप इसको इधर की तरफ घसीटेंगे, घसीटेंगे नहीं खरीदेंगे, तो फ्रिक्शन आपका कहाँ लगेगा, पीछे, हाँ है ना, फ्रिक्शन आपका कहाँ लगेगा, पीछे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो जाएगी, आगे। तो फिर से एंगल कितनी डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि उस समय डिस्प्लेसमेंट हो गई आगे, क्लियर हो गया ना। और फ्रिक्शन फोर्स आपका जो ऑपरेटिव फोर्स है वो क्या हो गया, पीछे हो गया ना, तो फिर से एंगल कितनी डिग्री होगा, 180 डिग्री, और वही हो गया भैया म्यू एम जी एस अगेन, तो प्लस नेगेटिव म्यू एम जी एस, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 2 म्यू एम जी एस, आ गया समझ में ना। चलो देख लेते हैं भाई साहब, लो आ गया बिल्कुल भाई साहब, ठीक है आ गया, प्लस 2 म्यू एम जी एस। अब वो बोलोगे कि सर इसमें आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, अरे मैंने निकाला है वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, क्या निकाला मैंने, वर्क डन बाई, इसलिए मैंने अपना फ्रिक्शन लिया था, बोलो हाँ है ना। और आप निकाल रहे हो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कितना, यहाँ बाहर लगेगा ना, तो एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगाएगा, अरे खसकाना है तो जितना पीछे लग रहा है उतना ये खुद लगाएगा, तो कितना लगाएगा अपने पास, वही एफ के बराबर लगाएगा, फ्रिक्शन के बराबर लगाएगा, समझ में आ गया। तो फर्क क्या आ जाएगा, इसका फोर्स भी यहीं और डिस्प्लेसमेंट भी यहीं, बोलो हाँ है ना। तो एंगल कितने डिग्री हो गया, जीरो, कितना हो गया, मतलब मैंने जो कैलकुलेशन करी बेटा वो इसके फेवर में करी है, एफ के फेवर में, फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, और आपने किसके फेवर में कर दी है, एक्सटर्नल के फेवर में, यस और नो, आपने अपना फोर्स निकाल लिया। भाई दो लोग काम करते हैं, एक सिस्टम काम करता है, एक ही कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है और एक आदमी काम कर रहा है जो खींच रहा है, बोलो हाँ है ना। जब आप बाल्टी को उठाते हो तो दो लोग काम करते हैं, एक अपना एम जी नीचे लगता है, बोलो हाँ, और उसी बाल्टी को उठाने के लिए एम जी कहाँ लगाते हो आप, ऊपर, तो बस वही है, उसने उन लोगों ने ऐसा ले लिया है, ये लो। तो पहले वाले का भी कितना आ गया, म्यू एम जी एस, और दूसरे वाले का भी कितना आ गया, म्यू एम जी एस, यस और नो। हैंस द टोटल वर्क डन बाई इन कंप्लीट प्रोसेस, बोलो यस और नो। तो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सटर्नल बॉडी, क्या है, इधर को लिखा हुआ वर्क डन बाई द बॉडी, वर्क डन बाई द बॉडी, फ्रिक्शन फोर्स का काम नहीं दिया हुआ यहाँ पे,
वर्क डन बाई द बॉडी। आंसर कितना आ गया 2mgs। बोलो जीरो हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। समझ में आ गया? मतलब रिवर्स आने में भी फोर्स वर्क डन जीरो नहीं हुआ। मतलब कौन सा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आया? पक्की बात ना? बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं भाई साहब, पावर पढ़ते हैं। पावर बहुत दिन हो गए, पावर पढ़ना है। पावर ठीक है ना? पावर से एक चीज याद आई यार, एक नाटक सीरियल चला करता था शक्तिमान। क्या चलता था? देखा तुम लोगों ने? नहीं देखा? देख लिया। चलो थैंक यू यार, देख लिया। शक्तिमान को यदि इंग्लिश में देखें तो बोल सकते हैं पावरमैन। क्या बोलते हैं? पावरमैन। अगर मैं बोलूं एनर्जी मैन तो फीलिंग पकड़ो यार, एनर्जी मैन क्यों ना बोलूं? ज्यादा अच्छा क्या रहेगा पावर मैन की एनर्जी मैन? ज्यादा अच्छी चीज क्या है पावर होना कि एनर्जी होना? ज्यादा अच्छी चीज क्या है, ज्यादा पावर होना कि एनर्जी होना? पावर। अच्छा, एनर्जी होना कि पावर होना? देखो मैं तुमको बता रहा हूं एनर्जी और पावर में क्या फर्क है। एक इंसान के पास 2 लाख रुपए हैं, कितने लाख रुपए? और एक इंसान के पास 2000 रुपए हैं, ठीक ना? ये इंसान 2 लाख रुपए को, ये इंसान 2 लाख रुपए को एक साल में खर्च करता है। कितने साल में? 1 ईयर में। और ये इंसान 2000 रुपए को 1 मंथ में खर्च करता है। समझ में आया? तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, ये वाला कि ये वाला? अब सोचो जरा, ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? दम किसके अंदर है? 1 मंथ वाले के अंदर। बोले जी हाँ या ना? अगर इसका तुम रुक जाओ, जल्दबाजी होगी भाई साहब? ज्यादा कहना है इतना, अभी इतना जल्दबाजी होगी? सोच लो जरा, अभी जल्दबाजी हो गई 1 मंथ कहने वाले के लिए? ये 2 लाख एक साल में खर्च करता है। इसको बढ़ा दो यार, इसको 10 साल कर दो। कितने ईयर कर दो? 10 साल। और ये 1 मंथ में कितना खर्च करता है? 2000। समझ गए ना? अब तो शायद समझ में आ रहा होगा कि पावरफुल कौन होगा, ये होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं सर, और क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ये बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप उसको अगर खर्च नहीं कर पा रहे हो, खर्च नहीं कर पा रहे हो, समझ गए ना? तो आपकी पावर होगी कम, पावर होगी कम। भले ही आपकी एनर्जी होगी ज़्यादा, बट आपकी पावर क्या होगी? कम। समझ गए ना? आपकी पावर आपके खर्चे से दिखेगी। किससे दिखेगी? और भाई साहब ऑडी चला रहा है भाई साहब, लंबोर्गिनी ले रखी है, हाँ या ना? इससे आपकी पावर दिखेगी, हाँ या ना? ठीक है ना? अभी अपने प्रियांशु बाबू करोड़पति आदमी है, बोलो हाँ या ना? चप्पल पहन के आते हैं लखानी की, हवाई वाली, 100 रुपए वाली, बोलो जी। ठीक है ना? तो ये एनर्जी फुल तो है मगर अपने पावर ना दिखा रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर हो गया ना? ये पावर नहीं दिखा रहे, एग्जाम्पल है भाई, ठीक है ना? ये तो पावर होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी के कंजम्पशन की रेट क्या है, कितने जोर से खर्च कर रहे हो? अगर टी टाइम में डब्लू वर्क खर्च करते हो, कितनी एनर्जी खर्च करते हो? डब्लू एनर्जी वर्क, तो 1 सेकंड में कितना खर्च करोगे? डब्लू अपॉन टी, डब्लू अपॉन टी। तो 1 सेकंड में जो खर्च कर रहे हो, उसकी 1 सेकंड में जो खर्च करते हो, उसी को बोलते हैं पावर। तो पावर इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब नाम लगा दो भाई साहब, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल पावर बन जाएगी, अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो मैकेनिकल पावर बन जाएगी, अगर न्यूक्लियर एनर्जी है तो न्यूक्लियर पावर बन जाएगी, समझ गए? अगर हीट एनर्जी है तो हीट की पावर बन जाएगी। जैसी एनर्जी वैसी पावर। समझ में आ गया? सो पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं भाई साहब, एक 100 वाट का बल्ब है, एक 200 वाट का बल्ब है, 200 वाट। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क मतलब वर्क की यूनिट होती है जूल, और टाइम का मतलब होता है सेकंड। तो 100 वाट को मैं लिख सकता हूं 100 जूल पर सेकंड, और 200 वाट को लिख सकता हूं 200 जूल पर सेकंड। मतलब 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी फूंक देगा? 100 जूल। और 200 वाट का बल्ब एक सेकंड में कितने जूल फेंक देगा एनर्जी? 200 जूल। आ गई बात समझ में ना? तो कभी भी कोई चीज खरीदने के पहले वोल्टेज देखा करो, क्या देखा करो?
वॉट। वोल्टेज से मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब है, वॉट से, कि कितने वाट का है, कितने वाट का है। क्लियर है ना? तो जो आज हमने क्लास में लाइटें लगा रखी हैं, आजकल लोग लगाते हैं 10-10, 15-15 लाइटें, क्यों? क्योंकि 8-8 वाट के 9-9 वाट के बल्ब होते हैं, हाँ है ना। तो 9 वाट के भाई साहब ने 10 बल्ब लगा दिए, कितने लगा दिए, 10 बल्ब, तो आंसर कितने हो गए, 90 वाट का, हाँ है ना। और भाई साहब किसी को पता नहीं है तो वो सूर्या वाला बल्ब, 10 रुपया वाला सूर्या बल्ब जो पहले चलते थे ना, लट्टू छाप ऐसे वाले, याद आया है ना, वो 100 वाट का आता था, 100 वाट का। एक बल्ब जल रहा है फिर भी उतनी रोशनी नहीं दे रहा है, और खर्चा ज्यादा इसका है, खर्चा ज्यादा इसका है। आई बात समझ में ना? क्योंकि ये 9 वाट के 10 बल्ब लगाओगे भाई साहब मजा आ जाएगा, और ये 100 वाट का है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉस बहुत ज़्यादा था, इसमें लॉस बहुत ज़्यादा। कौन सा लॉस? हीट मारते रहे, गर्म मारते रहे, समझ गए ना। अभी भी देखना वो सजावट अजावट होगी तो लगे रहेंगे, समझ गए ना। वो कीड़ों के लिए शमशान घाट का काम करते, कीड़े इसमें जा जा करके, वो हैलोजन रहता ना बड़ा वाला, हैलोजन लगता है ना, लगती है इसमें, एक ऐसी लाइट लगी रहती है, समझ गए ना। ये बहुत ज़्यादा पावर का होता है, 500 वाट का, कितने वाट का, 500 वाट, मतलब 500 जूल पर सेकेंड। 1000 वाट का था, 1500 वाट का था, मतलब एक सेकेंड में कितनी एनर्जी, 500 जूल, 500, समझ में आ गया, क्लियर है भाई साहब। तो 500 जूल, ठीक है, 500 जूल, तो इतनी एनर्जी का ये बल्ब होता है। मतलब कुल मिला के ये समझ जाओ, तुम ऐसे समझो, अगर तो मैंने क्या बताया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मान लो तुम्हारे पास 1000 जूल वर्क है, एनर्जी है, 1000 जूल वर्क, जूल एनर्जी है तुम्हारे पास, खूब खाए हो, 1000 जूल एनर्जी तुमने कमा ली, और 1000 जूल एनर्जी को खर्च करने में तुमको लग रहे हैं 100 दिन, कितने दिन, 100 दिन, और दूसरे बंदे ने 100 जूल खाना खाया है, कितने खाना खाया, 100 जूल एनर्जी कमा ली खाने से, नहीं 100 जूल, या 1000 जूल है मान लो तुमको लग रहे हैं 100 घंटे, कितने लग रहे हैं, 100 घंटे, दूसरे वाले के पास 100 जूल एनर्जी है और उससे लग रहे हैं 2 घंटे, कितने लग रहे हैं, 2 घंटे, ठीक है ना, 2 घंटे लग रहे हैं। चलो पावर निकालते हैं, इसको एक काम करते हैं, 100 है, ठीक है, निकालते हैं पावर। देखो तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ये भाई साहब आवर्स में है, किस में है, आवर्स में, ये भी किस में है, आवर में है। लियो भाई साहब, 2 जीरो कट गए, कट गए आंसर। पहले वाले की पावर कितनी होगी, 10 जूल पर आवर, 10 जूल पर आवर। दूसरे वाले की पावर कितनी होगी, 250 जूल पर आवर। समझ में आ गया? अब तुमको समझ में आ गया होगा, मतलब ये नहीं है कि आपका पेट कितना बड़ा है, मतलब ये है कि आप खर्चा कितना तगड़ा करते हो। तो पावर की पहचान किससे है, खर्चे से, समझ में आ गया ना, कि खर्च कितना तगड़ा करते हो। तो देखो किसकी पावर आई ज़्यादा, इसकी आई ज़्यादा, आई कि नहीं आई, 50 जूल पर आवर, 50 जूल पर सेकेंड में बदलना चाहो तो बदल लेना, तो वाट में लिख दोगे, हाँ है ना। लो बदल दूँ यार, 50/3600 वाट चल जाएगा ना, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, जूल पर सेकेंड, और ये क्या बन जाएगा, 10/3600 जूल पर सेकेंड। इसी क्या बोलेंगे, वॉट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अभी भी देख लो कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, हाँ है ना, पक्की ना। मतलब पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, समझ गए ना। या बोलो तो वर्क यूनिट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहे हो, यही आपकी पावर है, यही आपकी पावर है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए बोलो, पावरफुल या एनर्जीफुल, पावरफुल, क्या होना चाहिए, पावरफुल, समझ गया ना। एनर्जीफुल आदमी ऐसा हो गया कि ज्ञान तो खूब है, ज्ञान तो खूब है, मगर डिलीवर नहीं कर रहा है, आलसी है, खूब ज्ञान जोड़ रखा है, समझ गया ना, खूब डिग्रियां हैं बट आलसी है, हाँ है ना। तो मतलब 5 लाख जूल हैं और खर्च कितना करेगा, मरने तक में खर्च ना कर पाएगा, समझ गए ना। तो इसकी पावर कितनी हो गई, डब्बा पावर इसकी कम हो गई, बोलो हाँ है ना। और दूसरा बंदे के पास, जिसके पास कम चीज़ें हैं मगर खर्च स्पीड से कर रहा है, मतलब उसकी पावर क्या हो गई, ज़्यादा, बोलो हाँ है ना, समझ गए ना। और जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं एफिशियंट, क्या बोलते हैं,
एफिशिएंट, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं एफिशिएंट, क्योंकि जब दो लोगों की पावर की तुलना की जाती है तो उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाई 100, एफिशिएंसी परसेंटेज में निकाली जाती है। जब तुम किसी कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारे लिए एक नाम आएगा, यार वो बंदा बड़ा एफिशिएंट है, यार बंदा बड़ा क्या है एफिशिएंट है, मतलब उस बंदे के ऊपर तुम 2 रुपए खर्च करोगे वो तुमको 40 रुपए का काम करके देगा। बोले अच्छा कितने परसेंट एफिशिएंट है निकालना है, बोले खर्चा कितना किए 2, निकाल के कितना दिया 40, बोले एफिशिएंसी निकालना है 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितने बार कट गया भाई साहब 2, ओ भाई साहब 20 बार गया, तो 20 × 2 0 और मतलब 2000% एफिशिएंट, माय गॉड। कंपनी को एक चांद पे ले जाएगा अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो 2000% एफिशिएंट हो, हाँ या ना, क्लियर हो गया। ये एफिशिएंसी कहलाती, क्या कहलाती है एफिशिएंसी। लड़के ने पढ़ाया, मास्टर साहब ने पढ़ाया 10 नंबर का, मास्टर साहब ने पढ़ाया कितने नंबर का, मास्टर साहब ने 10 नंबर की मेहनत करी, बच्चा अपने नॉलेज से उसको एनहेंस करके ले गया 50 नंबर पे, कितने नंबर पे 50 नंबर पे। बोले एफिशिएंसी कितनी है भाई साहब बच्चे की, तो 10 इनपुट था, आउटपुट कितना मिला 50, मल्टीप्लाई कर दो 100 का, ये लो भाई साहब आंसर 500%, कितना है 500%। तो एफिशिएंसी ऐसी निकाली जाती है, पावर आउट अपॉन पावर इन मल्टीप्लाई बाई 100, तो इस तरीके से किसी इंजन की एफिशिएंसी निकाली जाती है। मजा आ गया, चलिए पढ़ते हैं पावर। और भैया पावर को निकाला जाता है, पावर हमेशा एवरेज पावर निकाली जाती है, बोलो है ना, पावर किस में निकाली जाती है एवरेज में। यहाँ तो इंस्टेंटेनियस भी है, मगर आप दिन भर में काम करे हो, दिन भर में काम करे हो, बोलो भाई सुनो, तो दिन भर में काम करे हो तो जो मुझे आंकड़ा मिला है वो पूरे दिन का है ना, पूरे दिन का है ना, तो मैं क्या निकालूंगा एवरेज ही तो निकाल पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं एवरेज पावर का फॉर्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। एवरेज पावर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल वर्क डन बाई द बॉडी अपॉन टोटल टाइम। पावर की ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, और जेम्स वॉट के नाम के सम्मान पर इसे क्या बोला जाता है वॉट। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं, अगर टाइम को स्मार्ट करके जीरो कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो भैया ये बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, और ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस पावर, समय के किसी इंस्टेंट पर यदि पावर बतानी हो तो टाइम को छोटा कर दे जाओ। ये सुनो, पावर डेवलप विद इन अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर इवैल्यूएटेड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। बाकी तो आप लोग देख चुके हो भाई साहब, ये देखिए अब इंस्टेंटेनियस पावर का एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। अभी मैंने बताया डी डब्ल्यू बाई डी टी, बोलो यस, तो डी वाई डी टी वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स को कल्टी मार दो, बाहर रख दो, कॉन्स्टेंट है, हाँ या ना, फोर्स अगर कॉन्स्टेंट है तो कहाँ चला जाएगा बाहर, याद रखना मेरी बात, फोर्स बाउंस कॉन्स्टेंट है तभी जाएगा, अंदर क्या आ गया डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, तो एफ डॉट वी फोर्स डॉट वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होती है इंस्टेंटेनियस पावर। जब मैंने आपको पावर पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था बेटा पावर इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, और ये क्यों होता है ये अब बता दिया। जैसे मैंने उस समय बताया था वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो ये तो वर्क देख लिया इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर में क्या देख लिया पावर, तो पावर स्केलर प्रोडक्ट होती है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्लियर आ गई बात समझ में ना। एफिशिएंसी मैंने बता दी आपको, व्हाट इज एफिशिएंसी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट। अब भैया पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बोलो हाँ, तो आउटपुट पावर में भी टाइम का डिवाइड करोगे और इनपुट पावर में भी डब्ल्यू वन अपॉन टी का डिवाइड करोगे, हाँ ना, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या वर्क अपॉन वर्क, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट इक्वल टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर हो गया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एनर्जी आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट। इट इज डिफाइंड एज द वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। परसेंटेज एफिशिएंसी, ये तो न्यूमेरिकल एफिशिएंसी बेटा डायरेक्टली अपॉन में आएगी, जैसे वह आ गई 1/2, क्या आ गई 1/2, बोले 0.5, है ना, बट यदि इसी को परसेंटेज बदलना है तो 100 का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50% मतलब आधा, तो ये कहला गई आपकी परसेंटेज एफिशिएंसी। नीटा इज इक्वल टू पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट इक्वल टू ई आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू वर्क डन आउटपुट अपॉन वर्क डन इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा ऐसा नहीं कि इसमें बस मल्टीप्लाई करना, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे, मतलब ये टोटल का मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी
होगा, जो चाहिए वो निकाल लेना। बट आपके सिलेबस में केवल आपको पावर से ही एफिशिएंसी निकालना है, वर्कर से एफिशिएंसी नहीं निकालना है। बोलो क्लियर हो गया। चलिए तब लास्ट टॉपिक बचता भाई साहब कोलिजन। कोलिजन अपन कल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तगड़ा टॉपिक है, अच्छे से बताना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। तो अभी आपको करना है न्यूमेरिकल, अपन पावर के न्यूमेरिकल खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। थैंक यू।